इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफएमएस दिल्ली के बारे में, जिसने अपने शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आउट कर दी है। तो हम स्पेशली इसमें जानेंगे कि आगे की क्या प्रोसेस है, कितना इजी और डिफिकल्ट है, और जिनको शॉर्टलिस्टिंग के लिए कॉल्स आ गए हैं और जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो पूरा जरूर देखना। एंड व्हाई माय नेम इज आशी खान, ये कुछ भी हो गया। हाय, माय नेम इज आशी खान एंड वेलकम टू आवर चैनल। राइट, आवर चैनल मतलब हमारा चैनल जहां हम एमबीए की बात करते हैं। सिंपल सी चीज है, अगर हम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1900 से ज्यादा बच्चों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम सीट पे ज्यादा शॉर्टलिस्टिंग की है, मतलब जो सेकंड लेवल ऑफ सिलेक्शन है वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है एफएमएस दिल्ली का। यार अगर आप आरओआई की बात कर रहे हैं तो जो कॉलेज सबसे नंबर वन पोजीशन पे आता है वो एफएमएस दिल्ली है, बिकॉज फीस बहुत कम है और एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा है। एंड दैट इज द रीजन आईएमबी जो है वो लिस्ट में नहीं आते हैं। अगर हम आरओआई की बात करें, सबसे पहले अगर हम नोट पे बात करें तो पीडब्ल्यूडी की सीट है, सीडब्ल्यू की, डब्ल्यूटी, डब्ल्यूएनटी, फॉरेन कैटेगरी की भी सीट है। राइट, एंड ये सारी सीट जो है वो भी अवेलेबल है और उनके लिए भी शॉर्टलिस्टिंग की गई है। तो सिंपल सी चीज है, अगर हम नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, जनरल 101, एससी 37, एसटी 19, ओबीसी 69, ईडब्ल्यूएस 25 है। और इन सब के लिए 707 बच्चों को, मतलब 7 टाइम्स अगर आप देखोगे, राइट, 7 टाइम्स शॉर्टलिस्टिंग है, मतलब हर 7 बच्चे पे एक बच्चा सिलेक्ट होगा। एंड यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी। राइट, इफ यू इवन टॉक अबाउट आईएम्स, इट इज लाइक 4:1, राइट, 3:1, बट इट इज 7:1। 37 सीट्स के लिए 259 शॉर्टलिस्ट, एससी एसटी में भी सेम है, ओबीसी में भी सेम है, एंड ईडब्ल्यूएस में भी सेम है। एंड दिस इज द कंपोजिट स्कोर, कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं आपको आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगी। अब 12 सीटें हैं पीडब्ल्यूडी की, राइट, और उसके लिए 84 कैंडिडेट्स फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। देन सीडब्ल्यू सीट्स की बात करें तो ये है जो 12 सीट्स हैं, और उसके लिए अगर हम बात करें तो 12 सीट्स में से CW1 के लिए 18 कैंडिडेट्स, देन 2, 10, ऐसी ऐसी पूरी शॉर्टलिस्टिंग जो है वो की गई है। ठीक है, देन परमानेंट स्टाफ, अगर हम ये कॉलेज की बात करें, रिटायर्ड स्टाफ, डिसीज्ड परमानेंट स्टाफ, टेम्पररी, एडहॉक एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, 6 सीटें हैं और कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड टोटल 21 हैं। राइट, नाउ कमिंग टू अगेन दैट इज WNT1, राइट, परमानेंट स्टाफ, देन उसके लिए 6 सीटें हैं, ऐसे टोटल 2487 सीट है। राइट, और 1966 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया है। सो आप डिवाइड करके रेशियो समझ सकते हैं, इट इज एज सिंपल एज दैट, इट इज लाइक 1:7, 7 में से एक बच्चा कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट होगा। अगर हम बात करें कट ऑफ में बात करें तो जनरल 98.18, ओबीसी 90, एससी 82, एसटी 58, पीएच1 दैट इज 85 एंड पीएच2 2.8। आई थिंक ये 82 होगा, इट इज नॉट 2.8, इट माइट कैन बी डन मिस्टेकनली। नाउ ये भी कुछ कट ऑफ है कैट का 18 के हिसाब से, ये हमने डिस्कस, ये 18 में था। इस साल की अगर हम बात करें कट ऑफ की तो आप 99 के आसपास का एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है। नाउ हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिट स्कोर, राइट, तो आपका स्कोर इन सेक्शन वेटेज, राइट, अपॉन मैक्सिमम मार्क्स फॉर द सेक्शन, राइट, राउंडेड ऑफ 2-3 डेसिमल, तो इस बेसिस पे आप अपना जो कंपोजिट स्कोर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स को 5 मार्क्स का एक्स्ट्रा वेटेज जो है वो दिया जाता है। नाउ इंटरव्यू डेट की अगर हम बात करें, 18 अप्रैल को डेट दी गई है, इट इज ऑलमोस्ट 17 दिन है आपके पास टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर इफ यू वॉन्ट टू गेट इन टू एफएमएस दिल्ली एंड इफ इट इज अमंग द टॉप कॉलेजेस इन योर लिस्ट फॉर श्योर। नाउ कमिंग टू द सिलेक्शन क्राइटेरिया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज भाई सारी चीजें हो गई, अब ये दूसरी लेवल की जंग है। अगर तुमने इसको क्रैक कर लिया तो तुम्हें इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं क्रैक किया तो फिर आपकी जो गाड़ी है वो रुक सकती है। तो अगर हम बात करें कैट के 2021 के स्कोर को, 50% वेटेज आपके 10th में,
राइट, अगर आपका 60 एंड अबव है बट लेस देन 75 है तो 5%, 75 एंड अबव है तो 10%। देन ये इन्होंने काफ़ी क्लियरली बताया है, 12 की बात करें 10% दिया हुआ है, 60 अबव है, 75 से कम है 5%, 75 अबव है 10%। अब भले तुम्हारा 90 हो, 85 हो, डिस्कशन ऑन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP हमने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। 10% का वेटेज है एक्सटेम्पोर, राइट, 5% का वेटेज है पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज 15% का वेटेज है, और ऐसे टोटल 100% का वेटेज है। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चंस में अकेडमिक बैकग्राउंड बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया हुआ है, राइट। देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हॉबीज, इंटरेस्ट, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस उसके अराउंड होते हैं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, YMBA, गोल्स, वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जानने के लिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्यों है। व्हाई यू वांट टू कम टू दिस कॉलेज, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। यू नो what other calls you have, right? आपके पास FMS के अलावा कौन कौन से calls है, that is also there. Current affair, basic geography, ये सारे questions आपसे पूछे जा सकते हैं। So अगर हम extempore topics की बात करें तो duration 15 to 20 seconds and 1 to 2 minutes आपको बोलना पड़ेगा, जिसमें अगर हम बात करें तो पहला topic, ये कुछ sample topic हैं जिसमें higher education in India, right? जैसे कि अगर आप एक rat race में हैं और अगर आप जीत भी जाते हैं, और अगर आप ओनली रेट होते हैं तो ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, हिमालय, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंजीनियरिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज लाइफ व्हिच टीचेस यू व्हाट हु यू आर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जिसपे आपको 15 से 20 सेकंड सोचने को रहता है, देन बोलना पड़ता है। महाराजा अग्रसेन, प्रियदर्शनी, स्पिरिचुअलिटी वर्सेस रिलीजन, सोशल मीडिया इज मेकिंग अस अनसोशल, कंसल्टेंट क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, राइट। नाउ प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट यू नो FMS Delhi एंड वी डोंट हैव टू स्पीक मच, बट अगर हम 2021 की बात करें तो इतने प्री प्लेसमेंट ऑफर्स हैं, इतने रिक्रूटर्स हैं। एवरेज पैकेज की बात करूँ तो मीडियम CTC 22 लाख, टॉप 25 38 लाख रुपीज, नियर अबाउट 40 लाख्स। अगर आप फीस देखोगे इट इज वेरी वेरी लेस, टॉप 100 31 लाख, एवरेज CTC 26, हाइएस्ट CTC 58 एंड 84 कंपनीज वर पार्टिसिपेटेड मैन, एंड इवन 22 का भी आ रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट यू कैन हैव अ लुक वंस इफ यू वांट टू, राइट, कि मीडियम 30 लाख के आसपास है, ऑलमोस्ट 8 लाख का डिफरेंस है। टॉप 25 48 लाख, नियर अबाउट 50 लाख, एंड टॉप 50 में यू नो अगर हम टॉप 100 में बात करें 25 लाख, टॉप 50 में 32 लाख, एंड दैट इज द स्टैट्स व्हाट वी हैव व्हेन इट कम्स टू FMS Delhi। टॉप रिक्रूटर्स, आई थिंक दीज आर द टॉप रिक्रूटर्स, विच इज लाइक काइंड ऑफ सिमिलर व्हेन इट कम्स टू ऑल द अदर कॉलेजेस, ऑल द टॉप ब्रांड्स कम फॉर दिस, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस कॉलेज। आई होप यू लाइक इट, hit the like button, share it with your friends, and for more such video like this, do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.